भैया हमें चंदन में पड़ गया, हम लगा प्रिंस भाई। आओ भैया, तुम देखा तो हमारा ब्लॉग नहीं देखा? देखा था यार भाई, सही बताओ। सही में भैया चलते अपन। हाँ नहीं, अब तो बाय करो, अब तो चलेगा। चलो मैं कहा मोनू, पैसा लग रहा है, कैसे जी हो रहा बोरो बोरो यार। राम जी की दोस्तों, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है आपके अपने न्यू ब्लॉग में। और डेली ब्लॉग आप देख ही रहे भाई, डेली 10 बजे डल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, ऐसे ही ब्लॉग आप देखते रहें डेली के डेली। और आज है रविवार, तो रविवार के रविवार हम जाते हैं सिलवानी, तो वही काम है सिलवानी जाने का। तो जो भी नया है भाई चैनल पे, तो पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसलिए बोलता हूँ भाई, आपको डेली अगर ब्लॉग देखना है, मेरे पसंद आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि डेली ब्लॉग डालूँ तो आपके पास पहले पहुँच जाए, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करने की। और चलते हैं अपन यहाँ से सिलवानी, और हमें लेने के लिए आ रहे हैं हमारे गुरुजी। तो गुरुजी के साथ चलेंगे अपन सिलवानी, गुरुजी को आयान दे, फिर उनके साथ चल रहा है अपन सिलवानी। अपने गुरुजी स्कूटी लेके अब चलते हैं अपन यहाँ से सिलवानी गुरुजी के साथ। कर दी गुरुजी ने स्कूटी पार्क और चाबी मिली गई अपन को, तो ड्राइव तो अपन ही करते हैं हमेशा। वो तो गुरुजी गए थे वहाँ, सैलेश भाई भी पन्नी लेके आ गए हैं, और ये विद्यालय की पन्नी है वहाँ की, और इसी में पूरी नोटिसन सबकी, मतलब पूरा लिखा हुआ है किसकी प्रेजेंट है किसकी एब्सेंट है, सब इसी में लिखी हुई है। तो अब सैलेश भाई जाओ तुम घर का, इतना ही तो काम, तो पन्नी लेके आने तो आ गए तुम। कहाँ चल रहा है, कहीं चल रहा है तुम्हें? कहाँ चाबी निकाल के रख रहा हूँ, तू देख ले बेटा पिट गया। हाँ तो गुरु जी का कुछ लेने के लिए दुकान पे, तो वहाँ से ले लें और फिर उसके बाद चलेंगे अपन यहाँ से। फ्रेंड्स यहाँ से अपन निकल दिए सिलवानी के लिए, और रास्ते पे देख रहा भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग जा रहे हैं बोरास। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कल है मकर संक्रांति, और सभी मकर संक्रांति के उपलक्ष में बोरास जाते हैं। और यहाँ के लोग, ये सागर साइड के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर बाहर से लोग आते हैं, और हम उधर पर आके नहीं जा पाते। तो आप देखो आप कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अपन यहाँ से चलते हैं सिलवानी के लिए, और कल अपन भी चलेंगे बोरास। करा लेते हैं गाड़ी को फुल, और फिर उसके बाद जाएंगे सिलवानी। तो हमेशा यहाँ से फुल करवाते हैं हम, पल्सर हो या स्कूटी हो, दोनों गाड़ी में हमेशा फुल रहता है, तो यहाँ से फुल करा लेते हैं गाड़ी को। अपन ने स्कूटी पार्क, और पीछे खड़ी है R15। ये आगे चंदन में पड़ी है महाराज जी की दुकान, बनवा लेते हैं समोसा। ये ले लिया अपन ने भाई समोसा, भाजी वाला पूरा मिक्सचर करवा के एक नंबर, तो खा लेते हैं। भैया हमें चंदन में पड़ी है, हम लगा प्रिंस भाई। आओ भैया, तुम देखा तो हमारा ब्लॉग नहीं देखा? सही में अपने ब्लॉग देखा था भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ब्लॉग देखो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ भैया, और ज्यादा वायरल करवाओ। चलो तो भैया अब चलते हैं अपन यहाँ से सिलवानी। भाई ऐसा बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा फील होता है कि कोई मिलता है, बोलता है भाई हम आपके ब्लॉग देखते हैं। जैसे अभी मैं प्रिंस से मिला चंदन में पड़ी यहाँ पे, और चंदन में पड़ी यहाँ पे एक दो लोग और हैं वो भी मिले, उनकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया लेकिन मैं, और ऐसे लोग मिलते रहते भाई जो भी आस पास से हैं, मिलते हैं मुझे बता दिया करो आप मेरे ब्लॉग देखते हो या कुछ भी, तो मैं रिकॉर्ड करके डालूँ, बाकायदा आपको भी थोड़ा लगे कि हाँ भाई मैं इनका सपोर्ट करता हूँ तो मुझे भी कुछ मिले। तो मैं ब्लॉग बना सबका डालूंगा, और सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहे भाई आसपास से जो भी है, और मैसेज करो भाई, मैं कोशिश करूँगा सबसे मिलूँ, धीरे धीरे करके सबसे मिलूँगा, मैं कोशिश करूँगा सबसे मिलूँगा। और जो भी है भाई मैसेज कर दें, या यहाँ पर कमेंट कर दें कि भाई हम यहाँ से हैं मिलना चाहते हैं, तो भाई मैं सबसे मिलूँगा धीरे धीरे करके। अब चलते हैं अपने यहाँ से सिलवानी। फ्रेंड्स यहाँ से चल रहे हैं अपन पहले चंदपुरा, फिर उसके बाद जाएंगे सिलवानी, क्योंकि पहले एक क्लास लगती है हमारी चंदपुरा में यहाँ पटेल साहब के यहाँ पे, तो पहले यहाँ की एक क्लास कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद चलेंगे सिलवानी। तो आ गए अपन चंदपुरा, ये है पटेल साहब का घर, ये देखो ये सफारी अल्टो और गाड़ियाँ भी हैं दो चार, तो यहाँ लगती है अपनी म्यूजिक क्लास, तो अभी स्टार्ट होने दें म्यूजिक क्लास को। देखो लग चुकी है अपनी म्यूजिक क्लास, और ये देखो क्लास लगी हुई है, बता रहा हूँ आपको देखो।
चंदपुरा की हुई क्लास कंप्लीट, अब चलते हैं यहाँ से सिलवानी की क्लास के लिए और सिलवानी क्लास लेते हैं। आ गए अपन सिलवानी, और सिलवानी में यहाँ जो महाराज जी के घर पे लगती है अपनी क्लास। खाना जी वो कर रहे हैं तुम, इधर देखो बसाई तुम क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब लग रही है अपनी क्लास, तो चलते हैं अपन अंदर। जी म्यूजिक क्लास कौन लगी बढ़िया कह रहे हैं तुम्हारे कोचिंग के बच्चे ब्लॉग देखते हैं। कोई म्यूजिक क्लास अपनी यहाँ से कंप्लीट। मोनू चले घर, घर जा रहा, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है ना अपन। कहाँ है? अब कोचिंग हमारी पूरी हो गई गाइस संगीत की, तो अब हम घर जा रहे हैं। तो लड़ुआ नहीं खा रहा है? लड़ुआ खा लिया है गाइस। काहे के लाई के? ये लड़ुआ लाई के, लड़ुआ लाई के। भैया चलते अपन। हाँ नहीं अब तो बाय करो, अब तो चले घर। चलो ठीक है, चले राम 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 राम। क्लास करने के बाद यहाँ आ चुके हैं अपन, ये मैन चौराया है, यहीं से अपन गए थे ना वन देवी के लिए। ये अपना सागर रोड, और ये अपना उदयपुरा रोड, और ये साईखेड़ा रोड, और ये सिलवानी से भोपाल रोड निकल जाता है इस साइड। और यहाँ आ चुके हैं अपन चाय पीने के लिए, यहाँ ले लेते हैं चाय और चाय पियेंगे। ये अपनी चाय, ये गुरु जी चाय पी रहे हैं, ये मोनू भाई चाय पी रहे हैं। मोनू का पैसा लग रहा है चाय में, कहाँ मोनू पैसा लग रहा है, कैसे जी हो रहा बोलो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग, जल्दी जाओ कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। आज थोड़ा बहुत फ़न किया मोनू के मजे लिए, और ऐसे ही हम क्लास से लेते रहते हैं म्यूज़िक क्लास, मतलब मैं नहीं लेता, गुरुजी क्लास लेते हैं। तो गुरुजी के साथ मैं जाता हूँ सिलवानी में, गुरुजी क्लास लेते हैं, उदयपुरा में क्लास लगती है लगातार। जिसको भी म्यूज़िक सीखना है भाई, वो कमेंट में बता सकता है किस किस को म्यूज़िक सीखना है, तो हम संपर्क कर लेंगे आपसे। जिसको भी अगर इंटरेस्ट है म्यूज़िक में सीखना है तो बता दीजिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय राम जी की।